हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द सोलेनोइड। हम जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि मैग्नेटिक जो फील्ड पैटर्न है ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कनेक्टर था हमारे पास, है ना, जिसमें हमने क्या किया था कि अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें से क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। उसी में अगर हम आगे चलें तो केस नंबर जो 3 है वो अपने पास है द सोलेनोइड। तो बेसिकली सोलेनोइड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें देखना क्या होता है सोलेनोइड। बेसिकली सोलेनोइड क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ, एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें क्या होता है, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब कि देखो कैसे, अपने पास क्या है, इस तरह से एक अपने पास एक कॉपर वायर है जो एक इंसुलेटेड, देखो जैसे ये अपने पास, ठीक है, ये हमारे पास वायर है, ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, ये कॉपर वायर है, वो क्या है, वो इंसुलेट किया है ऊपर से रबड़ से। क्यों हमने इसलिए किया कि जब हम ऐसे अपने पास हम ऐसे सोलेनोइड बनाएंगे, अगर कॉपर अगर हमारे पास नेकेड वायर होगी तो देखो क्या हो गया, अगर टच हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से प्लास्टिक या फिर रबड़ या इंसुलेटिंग से क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं ताकि आपस में दो वायर है वो टच ना हो, ठीक है, और करंट कैसे जाए, ईजिली वायर के अंदर से जाए। तो हमारे पास ये सोलेनोइड है, हमने सोलेनोइड को क्या किया, यहाँ पे हमने की लगाया और हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ये हमारे पास सोलेनोइड बन गया, तो सोलेनोइड क्या हो गया, एक लॉन्ग कॉइल है, लॉन्ग कॉइल होती है और कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसके पास क्या बहुत ज़्यादा टर्न्स है, वायर को हमने से लपेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे वायर लिए हमने उसको ऐसे लपेट दिया, ठीक है, और फिर उससे क्या बन गया, आपने देखा भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अपने फैन है, हम यूज़ भी करते हैं इसको, ठीक है, तो कभी तोड़ के देखना खराब हो तो उसके अंदर आपको ये जरूर मिलेगा, फोन के चार्जर में मिलेगा। तो देखो अब क्या हुआ कि जैसे ही अब हमने क्या किया, इसको ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो हमने क्या देखा, ऐसे करंट फ्लो हुआ और इनमें से करंट देखो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, राइट, ऐसा होता हुआ फिर से अंदर यहां से, है ना, फिर यहां से ऐसे और फिर यहां से होता हुआ ये अपने पास पैटर्न बन रहा है। किसका पैटर्न है, करंट का पैटर्न है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अब हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल वाला, हमने आपको एक क्लॉक रूल बताया था, क्लॉक रूल याद है आपको, क्लॉक रूल में हमने क्या बोला था, अगर अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो है, अगर वो करंट हमारे पास कैसा है, क्लॉकवाइज करंट है, तो कौन सा बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। हमने ट्रिक भी बताया था आपको, किस केस में, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में कैसा बन रहा है, साउथ पोल, और अगर अपने पास कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज है तो किस तरह बिहेव करेगा, एंटी एसी में वो अपने पास नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। अब ध्यान से देखना इसको, हमारे पास क्या है, इसी तरह अब ऐसे अपने पास वायर इंसुलेटेड कॉपर है, अब अपने पास वायर है ऐसे और ऐसे होके ऐसे हो रही है, बात समझ रहे हो, ऐसे, तो जब हमने यहां से देखा तो यह कैसा है, ये यहां पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, ऐसे वायर आ रही है, ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे आई वायर, ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, तो वायर ऐसे है, ऐसे आई वायर, ऐसे गई, तो करंट कैसे आया, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ना करंट की, उसके बाद इसके पीछे पीछे अलग वायर है उसमें भी देखो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इस तरह से किस कैसा करंट है इसमें, क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अगर हमने इसको पीछे से देखेंगे ये ऐसे, ये कैसे दिखेगा हमें, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, हमने इसको पीछे से देखा तो हमने इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर मान लो ये आपके पास, ये आपको कैसे दिख रहा है, अगर वायर में करंट ऐसे है, ये कैसे है, ये क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर इसको हम पीछे से देखेंगे तो हमें कैसे लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, सेम यहीं पे हुआ, तो यहाँ पे करंट कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, अब हम याद करो, जब करंट क्लॉकवाइज था तो कौन सा पोल था, क्लॉकवाइज में साउथ पोल था, तो यहाँ पे कौन सा पोल बन गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो गया, यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो गया, नॉर्थ पोल, बात समझ में आया, मतलब कि हमने क्या फ्लो कराया, इसमें करंट फ्लो कराया और करंट फ्लो कराने की वजह से देखो क्या हुआ, अपने पास दो पोल बन गए, बस पोल बन गए। अब हमें और क्या चाहिए, जब मैग्नेट के दो पोल मिल गए, नॉर्थ साउथ पोल, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वहाँ पे हमें मिलेगी क्या, मैग्नेटिक लाइन्स लाइक दैट ना, ये अपने पास,
कहाँ से? नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन क्या इनकी? नॉर्थ से साउथ है, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अपने पास क्या हो गया? सोलेनोइड हो गया। सोलेनोइड में क्या हुआ? साउथ नॉर्थ, और ये अपने पास क्या निकलने लग गई है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लग गई। अच्छा, सोलेनोइड के लिए कंडीशन और होनी चाहिए। अगर माना हमने लेंथ कितनी है इसकी, स्मॉल एल, स्मॉल एल अपने पास अगर इसकी लेंथ है, और नंबर ऑफ टर्न्स, इफ एल के अपने पास लेंथ है ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के अपने पास क्या है? लेंथ है, और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। और ये अपने पास मान लो कॉइल है, सर्कुलर है, तो उसकी कुछ रेडियस होगी, आर क्या है? रेडियस ऑफ कॉइल। तो बेस्ट सोलेनोइड हम किसको बोलेंगे? अगर नंबर, लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज ग्रेटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कॉइल। मतलब कि सोलेनोइड तो लंबा होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? उसकी जो रेडियस है वो छोटी होनी चाहिए, छोटे सर्कुलर कॉइल लंबे, लाइक दैट। दिस, ये देखो एक तरह से इसको हम अच्छा सोलेनोइड बोलेंगे, अच्छे से काम करेगा। ये बात समझ में आया? अच्छा जी, अब आप कहोगे कि सर क्यों सोलेनोइड हमने पढ़ा? हमने तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो बार मैग्नेट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर सोलेनोइड की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा सबसे मेन बात है जो सोलेनोइड का, तो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड, इससे हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आया? नंबर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने पास है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस है ये क्या है, अपने आप में पैरेलल है और स्मॉल गैप है दोनों, देखो इनके बीच में गैप भी क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अच्छा, अगर आपको ये दे दिया जाए, ये क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो है बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि गैप देखो किसी में कम है किसी में ज्यादा है, बट यहाँ पे सेम गैप और पैरेलल है, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इनसाइड द सोलेनोइड हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनोइड, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, अपने पास हो गया, इसके बाद हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? सोचो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर वन करंट, करंट पे डिपेंड करेगा। कैसे भाई? जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा आई, उतना ही क्या मिलेगा हमें? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। समझ में आया? नंबर दो, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या मिलेगा हमें? स्ट्रॉन्ग मिलेगा, उतना ही क्या मिलेगा हमें? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड जो होगा वो किस पे डिपेंड करते हैं? करंट पे, बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। इसके बाद हो गया, अगर हम बात करें सोलेनोइड के बारे में और चीजें, तो देखो ये और क्या है कि ये हमेशा याद रखना, फॉर आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है? ऑलवेज जीरो। मतलब कि सोलेनोइड के बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। ये तो मैंने आपको एक तरह से करके दिखाया कि इस तरह का पैटर्न होगा, लेकिन अगर आइडियल की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जीरो होगा। तुम कहोगे क्यों जीरो होगा? देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, और इनसाइड क्या है? ऐसे है ये, और इनसाइड क्या होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, तो ये जो इनसाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करती है? इसको कैंसिल कर देती है। सिमिलरली इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या कर देगी? इसको कैंसिल कर देगी। मीन्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग
इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा? जीरो। अर्थात मीनिंग कि जो मैग्नेटिक जो सोलेनोइड है उसके बाहर हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा? उसके अंदर मिलेगा, और वेरी स्ट्रॉन्ग मिलेगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और बी अगर मैं इनसाइड की बात करूँ तो क्या होगा? नॉन जीरो होगा और वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बात भी हमेशा क्या रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फॉर एनटीएससी के लिए भी हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनटीएससी में भी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये अपने पास हो गया इसको, अब अपने पास चलो अब इसको हम रब करते हैं एक बार, फिर अब देखते हैं थोड़ा एनटीएससी कॉर्नर के क्वेश्चंस है कुछ, एक न्यूमेरिकल है, सॉरी अपने पास एक बार फॉर्मूला देखते हैं। अब हमने बात की थी सोलिनोइड हमने बनाया था ना, ये हमारे पास सोलिनोइड था। मान लो इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो लेट एल के लेंथ ऑफ सोलिनोइड, ठीक है, एन कैपिटल एन मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा स्मॉल एन क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक मीटर के अंदर कितने टर्न है, इतने एक मीटर की बात करूंगा तो कितने टर्न है, वो क्या है स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन क्या हो गया, एन अपॉन एल, इस बात को याद रखना, ठीक है। आई क्या है, करंट इन सोलिनोइड, आई क्या हो गया अपने पास सोलिनोइड में करंट। तो अगर मैं नंबर वन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनोइड कितना होगा, यह फॉर्म हमेशा याद रखना, म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या करंट। तो मैं इसको लिखता हूँ म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, ये कोई सा फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नंबर दो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलिनोइड, एंड पे यहां पे अगर मैं देखूं बी कितना मिलेगा, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा हमेशा, इस फॉर्मूला भी याद रखना, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू, ये एंड पे, इसके एंड की बात करें इस एंड की कितना बनेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एन आई कैपिटल एन अपॉन में टू एल, ये किस फॉर्म, मैंने एन को क्या लिख दिया, एन बाई एल, ये देखो अपने पास। अच्छा और अगर नंबर थ्री आपसे पूछ ले क्या कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो आप सीधा क्या बोल दोगे, जीरो, बिकॉज देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनोइड, अपने पास से क्या हो गया सोलिनोइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एनटीएससी के हिसाब से अपने सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होते, ये बस ये बेसिक था वो अपना, ठीक है, ये अब अपने पास एनटीएससी के लिए। इसके बाद नंबर फोर इलेक्ट्रोमैग्नेट, नंबर चार पे हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट मैग्नेट या मैग्नेटिज्म जो किससे बन रहा है, इलेक्ट्रो से, इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब कि बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट इन लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये तो देखो अपने पास सोलेनोइड तक हो गया, बट वाउंडेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। हमने क्या किया इसमें, एक छोटा सा चेंज किया बस, कुछ नहीं किया बाकी, हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया अपने पास, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर लिया हमने, और हमने क्या किया, हमने ऐसे वायर लिया और वायर को ऐसे इसके कर दिया, देखो बात समझ में आया, ये अपने पास क्या बन गया, और यहां से हमने क्या दिया, बैटरी लगा दी, और यहां पे मैंने क्या लगा दी कि ये क्या बन गया, ये एक सोलिनोइड है, ये क्या है यहाँ पे, ये
ये ब्लैक है जो अपने पास जो क्या हुआ है, ये पास अपने पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, बात समझ में आया। और अपने पास क्या है, ऊपर मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किया, इसके ऊपर वाउंड किया। फिर से इंसुलेटेड की बात इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ कॉपर वायर को वाउंड कर दूंगा तो अपने पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें से भी करंट फ्लो करेगा और कॉन्टैक्ट में आने के बाद, क्योंकि कंडक्टर होता है उसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया इसके ऊपर कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को किया। अब जैसे मैंने इसको ऑन किया क्या हुआ, यहाँ से क्या गया करंट आई, फिर से करंट ऐसे गया आई, देखो करंट फिर से ऐसे जा रहा है, इनमें से जा रहा है करंट, ठीक है। 3D है या पीछे से हम देख नहीं सकते ना इसको, तो अपने पास एक करंट जा रहा है। अब करंट जा रहा है तो फिर से देखो क्या होगा, ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे क्लॉकवाइज हुई तो यहाँ पे कौन सा पोल बन गया, फिर से यहाँ पे बन गया साउथ पोल, यहाँ पे कौन सा पोल बना नॉर्थ पोल। अब जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल बना फिर से क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखने को, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें देखने क्या मिलेगी, मैग्नेटिक लाइंस, यानी अभी क्या बन गया है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, देखो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये इसकी बस एक खासियत है। अब जैसे मैंने यहाँ से जब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया, जैसे इसकी ऑन की क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो किया तो क्या मिला हमें, मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ आउटसाइड मिल गया, यही तो है भाई इसकी आउटसाइड द, मतलब क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मिलेगा हमें बाहर। सोलेनोइड के अंदर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड था, नहीं था, लेकिन इसमें क्या हमारे पास आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझ में आई। जैसे मैंने क्या किया, की को ऑन किया, अच्छा जी, अब जैसे मैंने की को क्या किया, ऑफ किया, क्या करंट फ्लो करेगा, करंट स्टॉप फ्लोइंग, करंट ने क्या किया, फ्लो करना स्टॉप कर दिया, उससे क्या हो गया, नो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा तो हम इसको ऑन कर देंगे, नहीं चाहिएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, है ना। तो देखो करंट से हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब तुम क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, कि सर हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज क्यों किया, इसके जगह हम स्टील यूज क्यों नहीं कर सकते, तो इसकी याद रखना, बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म सडनली व्हेन स्विच ऑफ, जब जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो जो अपने पास मैंने स्विच बंद करती ही, देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एक्चुअली कर कौन रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से हो रहा है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये मैग्नेट बन चुकी है, अब कौन मैग्नेट बनी है, ये सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे मैंने करंट बंद किया, करंट बंद तो जो अपने पास सॉफ्ट आयरन कोर है, ये अचानक से इसका मैग्नेटिक फील्ड बंद, ये मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। और जैसे मैंने करंट इसमें से चालू रखा तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, कौन, ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसलिए हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया। अगर हम इसकी जगह हम स्टील यूज कर देंगे तो स्टील क्या है, एकदम से अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करेगी, यानी 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक वो क्या रहेगा, एक मैग्नेट बनता रहेगा, 10 मिनट तक क्या रखेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड रखेगा, हमें चाहिए ही नहीं, क्यों, क्या जरूरी है 10 मिनट, हमें तो अचानक से चाहिए तो हम बंद कर देंगे, नहीं चाहिए तो हम उसको ऑन कर देंगे, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम स्टील का यूज ना करके हम किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का, क्यों, क्योंकि स्टील विल नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सडनली, इट टेक्स सम टाइम फॉर डी मैग्नेटिज्म, ठीक है, डी मैग्नेटाइज होने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए, तो अपने पास ये क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर। अगेन किस पे डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन किस पे, नंबर वन किस पे करेगा, करंट पे, सेम कैसे, करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। नंबर दो, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न जितने आप बढ़ाओगे n, या कैपिटल n जितने बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, बढ़ेगा। और नंबर तीन, मटेरियल
यूज्ड, आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो, क्या वो अच्छा मटेरियल है, क्या वो सॉफ्ट आयरन कोर है तो अच्छी बात है, अगर वो स्टील हुआ तो अच्छी बात नहीं है। तो डिपेंड भी करता है सॉफ्ट आयरन कोर की जगह, अगर हम सीधा आयरन कोर की यूज बात करेंगे तो अपने पास वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम वहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें गैप भी कम होना चाहिए, मतलब कि कैसे कि जो गैप है, एक तो अपने पास क्या कि हमने अपने पास मान लो अपने पास ये दो केस मैंने माने, ठीक है, एक जो केस है इसमें देखो हमारे पास वायर ऐसे है और इसमें मैंने क्या किया वायर को ऐसे, तो कौन सा ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिहेव करेगा, किस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इस वाले में, कि जो एयर गैप है वो क्या हो, अगर कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, ज्यादा मिलेगा। तो अपने पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। चलिए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के जो एनटीएससी में पूछे जाते हैं इस रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल नंबर वन, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2a। मान लो इस अपने पास एक सेंटर है, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो हमारे पास करंट है आई, तो बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, याद करो कैसे निकालेंगे। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि आपके पास एक करंट जा रहा था एक्स वाई कंडक्टर में से, है ना, और हमने क्या किया था, पी पॉइंट था मान लो यहाँ पे, और ये एंगल कितना था ये हमने याद आया कुछ अपने पास, ये हमारे पास क्या था थीटा वन, और ये अपने पास क्या था थीटा टू, ये क्या डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कितनी थी हमारे पास आर थी। तो हमने बी कैसे निकाला था, बी इजक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई, ये डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर आर आई साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, याद आया फॉर्मूला, बस आ गया, तो अच्छी बात है, कर देंगे पुट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास ए बी की, करंट देखो कैसे जा रहा है, आई करंट ऐसे जा रहा है, ये अगर 2a है तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास a होगी, ये सेंटर में है तो ये डिस्टेंस अगर 2a है तो ये भी कितनी होगी हमारे पास a हो गई। भाई बात समझ में आई, हमें तो असली मेन क्या, हमें इस a से मतलब है, ठीक, हमें तो a चाहिए, चलो ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अपने पास फॉर्मूला था, अगर मैं निकाल रहा हूं b ड्यू टू ए बी, करंट किस में जा रहा है, ए बी वायर में, तो करंट का फॉर्मूला इसका क्या हो गया, म्यू नोट अपॉन फोर पाई, आई कितना हो गया अपने पास, आई है अपने पास, और एक यहां पे r क्या बन गया, a बन गया। अच्छा अब तुम मेरे को बताओ एंगल कितना होगा, ये एंगल ये थीटा वन थीटा टू, देखो स्क्वेयर है, स्क्वेयर का जो बीच का सम कितना होता है 360 होता है, ये कितना बनेगा 90, है ना, देखो ऐसे ये 360 होगा, ये 90 90 90 और 90, तो ये 90 हो गया, ये 90 हुआ, तो एक में यहाँ पे कितना आया 45, और यहाँ पे भी कितना आया 45, तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन कितना हो गया 45 प्लस साइन 45, साइन 45 कितना होता है, कितना होता है साइन 0 1 2 3 4 4 1 बाय रूट 2, कितना होता है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, क्या हो गया म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई a, क्या बन गया ये 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2, है ना, और ये कट के क्या हो गया म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई a रूट 2, ये किसकी वजह से आया, सिर्फ ए बी की वजह से, अब ए डी की वजह से भी इतना ही आएगा, डी सी की वजह से भी और सी बी की वजह से भी यही आएगा, तो क्या कर देंगे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी बी टोटल कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय जो ए बी का आया, ये क्या आया म्यू नोट आई 4 मल्टीप्लाई बाय म्यू नोट आई 4 पाई a रूट 2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो, क्या बना रूट 2 म्यू नोट आई अपॉन में पाई a, पीछे क्या लगाऊंगा टेस्ला टी, राइट। अच्छा अब एक बात और बताओ, इस पे जो ओ पॉइंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो ऐसे कौन बताएगा इसको, कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल, देखो करंट ऐसे जा रहा है इनवर्ड,
करंट ऐसे जा रहा है इनवर्ड, करंट ऐसे आ रहा है इनवर्ड, और करंट ऐसे आ रहा है इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे क्या मिलेगा? ये एक नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनवर्ड आउटवर्ड का। जब आपके एनटीसी में क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा इनवर्ड, और एक ऑप्शन मिलेगा ये लिख के आउटवर्ड। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे पता लगाओगे इनवर्ड आउटवर्ड, बेसिक है ठीक है। हम इससे क्या है राइट हैंड थंब रूल से कर दो, इनवर्ड जा रहा है तो इनवर्ड अपने पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने पास।